देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक गरीबों का है। करीब 6 लाख गांव खुले में शोच से मुक्त हो गए और सस्ते अनाज के लिए सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 143 करोड़ LED बल्ब उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ते दामों पर दवाइयां मिल जाती हैं। 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लाए हैं, इससे गरीब परिवारों के 3,000 करोड़ बचे हैं। 2021 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली मिलेगी। फसलों का MSP लागत 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को मंजूरी दे दी गई है। 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। किसानों के खाते में 3 किश्तों में पैसे दिए जाएंगे। इसका फायदा 12 करोड़ किसानों को मिलेगा और किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसी तरह गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना सरकार शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसका पूरी मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। पशुपालन तथा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। 21,000 से कम वेतन वाले मजदूरों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नौकरी खोजने वाला देश आज नौकरी देश देने वाला देश बन गया है। मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का खर्च दिया गया और स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।